फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है किल चोरी पता नहीं क्या होता है किल चोरी फीचरिंग श्रद्धा कपूर एंड भुवन बाम संग बाय सचिन जिगर। कम होम टू फ्री फायर, ये क्या चीज है भैया? समझ नहीं आया। गेम का भी बोल दिया कम होम टू फ्री फायर, उसके बाद किल चोरी, कुछ आइडिया नहीं हो रहा है, देखते हैं। और ये भुवन बाम वही है जो मेरे ख्याल से यूट्यूबर है, तो और ये श्रद्धा कपूर मेरे ख्याल से वही होंगी जो एक्ट्रेस है। अब देखो क्या, ये तो देख के पता चलेगा चल क्या रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गेम की ऐड है यार, इन्होंने हमें कैसे हरा दिया? कोई बात नहीं यार, ये फ्री फायर वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे। हाँ पर चल सैड मत हो ना, दिवाली पार्टी पे भी जाना है। ओके लेट्स गेट रेडी। और सुन आई गॉट यू। ओके यार सैड मत हो तू, अब तुझे पता है ना आई लाइक हर, उसके सामने हार गई। हाँ बट शी लाइक्स यू टू। आज दिवाली है, इसको तू अपना लकी डे बना ले। चल अपना हीरो मोड ऑन कर और दिवाली पार्टी में जाते हैं। हीरो मोड कैसे ऑन होता है? तू धोखा जान का दे रोका पर रोका ना गया। तू धोखा जान का मैंने दिल को रोका पर रोका ना गया। धड़कनों में चले दिवाली फ्लैंक करके वाइप कर दिया। रकिल कर छोरी बुलेट धारी गोरी नैनो से मारे धाए 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 धाए। अजीब सा अलग सा ही था क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि भैया अगर आपने फ्री फायर की ऐड करनी है तो इस टाइप से जैसे सॉन्ग बनाएंगे और वीडियो गेम पे, वो भी जैसे मूवीज में सॉन्ग होता है और उसमें दिवाली को भी कंबाइन कर दिया क्योंकि दिवाली भी आ रही थी ना, तो आइडिया बड़ा अलग सा था वैसे कि आपने दिवाली का ओकेजन है तो उसमें वो गाना भी बना दिया
और ये दिखाया पहले कि शुरू में गेम खेल रहे हैं, उसके बाद हार गए, और उसके बाद उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए उसमें वो फिल्मी स्टाइल ले आए कि गाना गा रहे हैं दिवाली के टाइम, कोरियोग्राफी करके हाँ। जिस तरह से शूटिंग की है, तो मेरे ख्याल से अब यही हो रहा है कि धीरे धीरे कॉम्पिटिशन आ रहा है बिटवीन बॉलीवुड और व्लॉगर्स, यूट्यूब का मतलब ये कॉम्पिटिशन, मतलब काफी ऐसे व्लॉगर जो है ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और बॉलीवुड के लोगों को अब थोड़ा फेम के लिए व्लॉगिंग में भी घुसना पड़ रहा है। वो अब क्या कोशिश करें कि वो लेने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अब वो जो यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं, उनके साथ कोलैब कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज बना रहे हैं। क्योंकि अभी हमने एक वीडियो किया था ना फ्लाइंग बीस्ट विद जॉन अब्राहम, तो वही बॉलीवुड और जो यूट्यूबर हैं उनका को वहां पे दिख गया। अब यहाँ पे श्रद्धा कपूर और ये, इनके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे लग रहा है बॉलीवुड अब जो है वहां से जो है यूट्यूब के थ्रू जिनकी है उनके से कोशिश कर रहा है कि पॉपुलैरिटी हम भी गेन राइट, मतलब कंपटीशन काफी अच्छा, अच्छी बात, क्योंकि जो बॉलीवुड है वहां पे काफी हद तक उन कुछ लोगों का कंट्रोल है, और जो नए लोग आते हैं उनको डिफिकल्टी आती है, परंतु YouTube में आपको कोई रोक नहीं रहा, आप YouTube में जो भी सक्सेसफुल हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है, और साथ में अगर वो ऐसे बनाने प्रोडक्शंस लग जाए कि धीरे धीरे आप गाने बनाने लग जाए, अपने अपने प्रोड्यूस करने लग जाए, तो आप टक्कर भी दे सकते हैं धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को, तो काफी मेरे ख्याल से दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। मगर एक ये एडवांटेज डेफिनेटली है कि जो बॉलीवुड में अगर वो अपनी व्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना फेम है, हाँ, वो तो है, तो एक मतलब उनको मेरे ख्याल से अपनी गेम को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। पर ये है कि अगर आप व्लॉगिंग करोगे ना तो जो लोगों का देखने का नजरिया है आपके वो थोड़ा कम हो जाएगा उस टाइप से। पहले तो अभी आजकल तो वो देखते ना, अरे फिल्म एक्टर है, ये है वो है मूवी का, वो आप जब उनको रोज की रूटीन में देखोगे तो लगेगा भैया ये हमारी तरह ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, यूएस में भी जैसे किम कार्डेशियन वगैरह जितने सारे अच्छा, सोशल हाँ। मीडिया में जबरदस्त आते हैं, इससे लोगों को ये नहीं लगता कि अच्छा। क्यों, मुझे क्योंकि तो उसका रीजन ये है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना मतलब अमीरों का है कि इंसान को लगे कि ये टू मच लैविश है, ये अलग ही है। तो मेरे ख्याल से वही है, क्योंकि अब ये है कि इंस्टेड की वो टैबलॉइड्स पे लोग पढ़े और गॉसिप करें, वो सीधा ब्लॉग में आपको दिखा रहे हैं कि आपको थर्ड पार्टी जाने की जरूरत नहीं, मैं ही बताती हूँ मेरा ये घर है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, ये सब हो रहा है, जो भी लाइव करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा लाइव रियलिटी शो बन जाता है, रियलिटी शो में ये 5 दिन मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगा और रियलिटी शो ही ऊपर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट काफी यहाँ पे जो ट्राई आउट हो चुके हैं धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं कि आप अब लाइव दिखाएंगे अपना लाइफ स्टाइल, और वही हो रहा है। तो मेरे मगर यहाँ पे तो ये हो रहा है कि ये अपनी प्रोडक्शन बना रहे हैं, और जो आप कह सकते हैं एक्टर्स जिन जो अभी नहीं ज्यादा चल रहे मूवीज में, वो इधर आ रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और उससे क्या उनको बूस्ट मिलेगी, कुछ भी होगा, तो मतलब जो भी है मेरे ख्याल से बॉलीवुड को काफी डिफरेंट डायरेक्शन से थोड़ी टक्कर मिल रही है। अच्छी बात है, अच्छी टक्कर मिल, कॉम्पिटिशन हमेशा अच्छी चीज होती है, कॉम्पिटिशन हमेशा हेल्दी अच्छी बात है। तो अब मुझे तो देखे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बॉलीवुड और यूट्यूब जो है यूट्यूबर्स वो कोलैब में आ रहे हैं, क्योंकि जो यूट्यूबर्स है वो तो अपने बलबूते पे आगे गए हैं, बॉलीवुड का इतना नहीं कह सकते ठीक है ना, पर अच्छा बनाया था। और जो भुवन है उनको तो मैं पहचान ही नहीं सकी थी, ही वॉज लुकिंग सो टोटली डिफरेंट यार, बोलने का ढंग और वो डांस करने का, इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल, तो दैट वॉज अमेजिंग। तो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।